मजा आया या नहीं आया? बहुत आया ना, इतने सालों बाद आई लीग देख के यार। बट यार एक चीज सैड ये है कि यार देखो यार गाइस, यहाँ पे ना इतने एक तो कम लोग है, कहीं कहीं तो लोग ही नहीं है, वहाँ खाली है सब, खाली ये पूरा ये खाली। गाइस हम आ गए हैं अंबेडकर स्टेडियम आई लीग का मैच देखने, राजस्थान और ट्राउ के बीच में। और जो मैच है वो काफी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि ट्राउ है सिक्स पोजीशन पे और राजस्थान है सेवेंथ पे और एक ही पॉइंट का गैप है, बट टिकट नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि टिकट आके लेनी यहाँ पे, तो अभी पता करते हैं टिकट कहाँ से मिलेगी। बाकी आगे अंदर का दिखाते हैं, टिकट ले लेते हैं पहले। ये भैया को पूछा, आर यू ऑस्ट्रेलियन? यार भैया टिकट कहाँ से मिलेगी यार? टिकट तो फ्री एंट्री है ना? फ्री एंट्री तो अब जैसे ये वीवीआईपी लिखा है, वीआईपी है तो वो तो हाँ हाँ भाई पता नहीं, आगे वाला एक गेट है यहीं से जाके। अच्छा अच्छा तो गाइस एंट्री जो है वो यहाँ पे फ्री है, बट यहाँ पे ना वीवीआईपी का बोर्ड है तो हम पूछेंगे वैसे एक बार कि यहाँ एंट्री करने के लिए क्या करना पड़ेगा। यहाँ ये प्लेयर्स वगैरह के लिए होगा या तो वही होगा, तो हम इनसे पूछेंगे कि अगर हमें वीवीआईपी एंट्री करना पड़ेगा तो क्या है, मतलब वैसे 500 रुपये देके कर सकते हैं क्या, ये पता करते हैं एक बार। तो अनुव्रत यार वीवीआईपी में तो आज एंट्री नहीं मिल पाई हमें, तो अभी हम गेट नंबर 8 पे जा रहे हैं और हम नॉर्मल एंट्री करेंगे जो कि फ्री एंट्री है। तो गाइस ये देख लो यार, मतलब तुम कहते हो कि क्यों इंडिया में फुटबॉल चलता नहीं है और वो, तो भाई पहली बात तो ये कि लोग मैच देखने आते नहीं है, दूसरी बात ये कि फ्री एंट्री है तो मतलब पैसे भी कहाँ कमाएगा यार हमारा फुटबॉल का, हम कैसे मतलब अर्न करेंगे, क्या करेंगे यार भाई ऐसे ही है। अब देखो ये स्टेडियम है इस साइड और हम सड़कों पे चल रहे हैं, अब गेट नंबर 8 पता नहीं कहाँ से आएगा। और यमन भाई आपको यहाँ पे सब पहचान गए? हाँ यार लोग बंदे पहचान गए, और वो बॉल बॉय था भाई, तो हमें एक बॉल बॉय मिला और वो वीवीआईपी एंट्री से एंट्री कर रहा था और वो हमारी भी करा देता, बट हमने उसको प्रेशर नहीं दिया क्योंकि उसको डांट वाटना पड़ जाती क्योंकि वो कहते ज़्यादा बॉल बॉयज हो जाएंगे। बट मतलब तरीके हैं वीवीआईपी एंट्री करने से, दोस्ती यारी बनाएंगे तो अगली बार हम वीवीआईपी में मैच देखेंगे। यही है ना 8 नंबर? तो 4 के बाद सीधा 8 आया भाई। भाई क्या लेना है तेरे को? अंडे खाएगा? अंदर लेके जान देगा नहीं ये पूछते हैं पहले। छोले कुलचे भी हैं, खमा गनी। तो गाइस अब खेलेगा राजस्थान और हम भी राजस्थान को सपोर्ट कर रहे हैं। हम भी राजस्थान को सपोर्ट कर रहे हैं। अनुव्रता क्या कर रहे हैं अभी हम यार? अब हम थोड़ा खाएंगे फिर आराम से जैसे मैच देखेंगे। तो गाइस उन्होंने अभी एंट्री दी नहीं है, उन्होंने बोला 10 मिनट है, तो हमने सोचा अगर दिल्ली आए और छोले कुलचे ना खाए अगर तो फिर क्या ही दिल्ली आए, तो ये हमारा प्री मैच स्नैक है। बाकी चलो खाने के बाद बात करेंगे इन लोगों से। भाई वीडियो बनाना लाओ नहीं है, बंद कर। तो अनुव्रता किक ऑफ हो रहा है भाई, प्रेडिक्शन कर दे। प्रेडिक्शन करते हैं? हाँ बता कौन जीतेगा? राजस्थान। कितना? 2-1। 2-1 राजस्थान? मेरे को लग रहा है कि 2-0 ट्राउ। ट्राउ? हाँ 2-0। बाकी देखते हैं क्या होता है। हाइड मारा उसने भाई, अनुव्रता कैसा गोल था भाई बता भाई, वो नंबर 129 में क्या स्किल किया भाई, और फिर बॉल डाली भाई उसने भाई, ये सेलिब्रेट कर रहे भाई लोग भाई, क्रेजी गोल भाई, क्रेजी फिनिश भाई। भाई 1-1 हो गया, ये क्या बच गया, ये तो काफी स्क्रैपी गोल था लेकिन। हाँ कॉर्नर से एवरीवन मिस द बॉल। हाँ मैंने कहा ना वो डिफेंडर्स करेंगे गलती, वो वाले 3 नंबर वाला यहाँ पर मैच फंस गया ना, लेकिन काफी 18 मिनट में ही हो गया 1-1। बढ़िया बढ़िया चल रहा है मामला, इससे शॉट भी नहीं, काफी कोशिश करने के बाद अब 2-1 ट्रा हो गया। इसको बुला रहा है, काउंट हुआ है ना गोल, तो क्या हुआ 10 नंबर को यार? उसके ऊपर पीछे से चढ़ गया ना वो मिल रॉय। अनुव्रता आ गया स्कोर, तेरा स्कोर उल्टा हो गया, मेरा 2-0 था वैसे तो। और हम बाहर आए हैं ऐसे पानी वानी पीने, कुछ कैंपा वैम्पा पीने, उसके बाद जाएंगे बाकी का मैच देखेंगे। काफी इंटरेस्टिंग मैच हो रहा है, खुल चुका है मैच पूरा ना, तो बताते तुम्हें। अनुव्रता कैसा लगा फर्स्ट हाफ? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा लेवल का गेम था। सबसे ज्यादा अच्छा प्लेयर कौन सा लगा? गेम देख के बहुत मजा आ रहा है ना, वो भी आई लीग का, काफी टाइम बाद आई लीग का मैच देख रहे हैं और मतलब मेरे हिसाब से तो अच्छा मैच हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि क्वालिटी ऑफ फुटबॉल खराब है या कुछ है, बढ़िया मैच चल रहा है बिल्कुल।
बट अभी तक का सबसे अच्छा प्लेयर नंबर 29 ट्रॉय विकास भाई, उसको शाउट आउट दे देंगे भाई हम अपने इंस्टाग्राम पे कि विकास को जाके मचा दो उसके लिए भाई, क्या मचा रहा है वो बंदा, क्या लेफ्ट ही खेलता है 35 उसका राइट विंगर, हाँ वो भी अच्छा खेल रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहे हैं लोग, पर हाँ दोनों विंग अच्छे, और उनका जो लेफ्ट बैक है 22 नंबर वो भी बहुत अच्छा, लेफ्ट साइड ऑफ ट्राउ इज वेरी गुड, 22 नंबर भी अच्छा है, सांटे जी नहीं है, एंड राजस्थान का नंबर 8 राजस्थान का नंबर 8 और उनका टीम में एक रोनाल्डो भी है नंबर 7, वो सेम स्टेप ओवर वेपोर करता है, और 75 नंबर ने ऊंचाइयां छू ली है शूट मार मार के, और सॉरी बोल रहा है, फिर सॉरी बोल रहा है वो यार, ये शान है, शान मकसूद भाई साहब हमारे, मकसूद हटा देंगे शान, और ये अरहान, ये हमारे दो छोटे फैंस हैं, हमारे सारे ब्लॉग भी देखते हैं, और ये हम सारे वैसे भी कर देते हैं अपनी वीडियो, और उनके टिकट भी है आज की, तो कौन सी अकेडमी में हो? डेयरडेविल एफसी रोज होती है वो जी, क्या पोजीशन खेलते हो? मैं वो स्ट्राइकर, ये सीबी कह रहा है, ये विनायक भाई, ये सीबी कह रहा है, ये स्ट्राइकर खेलता है, सीबी खेलता है, हमारा नहीं दोस्त है जो कहता है मैं यहाँ खेलता हूँ वहाँ खेलता हूँ बट कहीं भी नहीं खेलता, बट तुम वैसे स्ट्राइकर गोल मारते हो, और तुम लेफ्ट विंगर हो, गोल मारते हो, अभी वाले मैच में सबसे अच्छा प्लेयर कौन सा लग रहा है? अभी वो 10 नंबर वाला, वो जो वाइट कलर की टीम, वाइट वाले जिसने गोल मारा था, हमें लग रहा है 29 नंबर, वाइट वाइट नंबर 29 नंबर नहीं है जो लेफ्ट 94 ही बहुत से खेल रहे हैं, हम भी 94 बहुत खेल रहे हैं, मेलोडी पे अच्छा लग रहा हूँ, मिल रॉय स्कूल नाम है स्कूल का कमर्शियल स्कूल पास ही है चलो आप मैच देखते वापसी भी मिलेंगे जाते वक्त मिलेंगे मैंने तो देखा भी नहीं पता नहीं यार गाइस यहाँ पे कुछ लड़ाई वड़ाई हुई है और यहाँ पे रेड कार्ड मिल गया है भाई ये जो बंदा बाहर जा रहा है भाग के उसको रेड कार्ड मिल गया वो भी पता नहीं किस बात का उसको भी नहीं पता किस बात का रेड कार्ड मिला उसको अब वो उनके डगआउट में मारेगा क्या दो थप्पड़ कोच को मारेगा कोच ओ नहीं मारा रेफरी गया इतना कुछ करेगा उसने फिर से बॉल उठा ली नहीं वो बात नहीं है पता नहीं क्यों दिया इसको रेड उसने या तो कोनी वोनी मारी होगी किसी को क्रेजी सेट पीस सेट पीस ओ ओ ओ ओ बाय 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 अब तुम प्रैक्टिस करने जाओगे कहाँ पे कमर्शियल स्कूल तो इसका स्कूल है ना डेविल एफसी भाई ये कैसा हैंडबॉल कर दिया हाथ से बॉल पकड़ ली कार्ड भी नहीं मिला ओके मैच हो गया है ख़त्म क्या यार लड़ाई भी नहीं हुई यार कैसा लगा उन्होंने पता मैच बहुत ही बढ़िया बढ़िया लगा मजा आ गया फर्स्ट हाफ में था फर्स्ट हाफ ज्यादा हैपनिंग था ना वैसे लेकिन अब मैं राजस्थान ने ट्राई किया लेकिन एंड प्रोडक्ट है ही नहीं यार फिनिशर ही नहीं है कोई ढंग का और पहला गोल भी वैसे उन्होंने ऐसे फ्लूक से मार दिया वैसे वो तो वैसे आ रहा था गलती से लग से चले गया वो गोल नहीं था वैसे वो गोल तो इन्होंने अच्छे मारे थे जो पहला गोल था भाई वो तो बहुत बढ़िया था दोनों गोल अच्छे थे मजा आया या नहीं आया बहुत आया ना इतने सालों बाद आई लीग देख के यार बट यार एक चीज़ सैड ये है कि यार देखो यार गाइस यहाँ पे ना इतने एक तो कम लोग हैं कहीं कहीं तो लोग ही नहीं है वहाँ खाली है सब खाली ये पूरा ये खाली और फ्री एंट्री है यार एक तो वैसे ही आना चाहिए यार फ्री एंट्री में भी लोग नहीं आ रहे यार नहीं है ना तो वही है यार थोड़ा सैड सीन तो लगा ना आए नहीं यार नेशनल लीग है यार हाँ यार आई लीग मतलब ISL से पहले तो यही सबसे बड़ी लीग थी यार उसमें सपोर्ट ही नहीं है किसी 35 को मिला मिल गया कैसे अच्छा उसको बिठा रहे ना भाई वो 35 नंबर बहुत दूर
को मैन द मैच मिल गया है, काफ़ी सही खेला इसने, क्या वॉली पे गोल मारा यार, मज़ा आ गया लाइफ के। चलो फिर चलें घर, चलो पूरा मैच वापसी कर रहे हाथ तय करते हैं।